इस पूरे मामले से जुड़ी जो अपडेट, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, अब कुल इस केस में 5 नहीं 7 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ होगी। अंजनी केस की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है परिवार वालों की तरफ से। दिल्ली महिला आयोग ने भी मांग की है, ये बड़ी खबर है इस वक्त। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से सीबीआई जांच की मांग यहां की गई है। पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, स्वाति मालीवाल की तरफ से यह कहा गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। आपको बता दें कि जब यह हादसा हुआ था तो इन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे थे, और अब स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस को अंजलि के केस में हमने समन किया था, वो हमारे सामने आए, उन्होंने हमें जवाब दिया, पर दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो देखिए, स्वाति मालीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस को समन किया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब भी उसका दिया गया, लेकिन जो अभी तक जांच पड़ताल सामने आई और शुरुआती जो रवैया दिल्ली पुलिस का था, बिना जांच के ये कह देना कि ये महज एक सड़क हादसा है, उससे दिल्ली महिला आयोग भी संतुष्ट नहीं। और स्वाति मालीवाल को सुना आपने, उन्होंने कहा कि अभी की भी जांच पड़ताल को लेकर के कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो अब तक जी न्यूज पर दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़े हर वीडियो का खुलासा किया गया। ये तमाम वीडियो दिल्ली पुलिस की जांच में मददगार साबित हो रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब एक और सीसीटीवी सामने आया है जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। इस वीडियो में सभी आरोपी एक साथ देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे आगे गाड़ी, पीछे पीसीआर, पार्किंग में खड़ी गाड़ी, और अब सबसे नया सीसीटीवी, आरोपियों की पहली तस्वीर। तारीख 1 जनवरी 2023, समय 4:33। दिल्ली के कंझावला केस का ये अब तक का सबसे बड़ा सीसीटीवी सबूत है। ऐसा वीडियो जिसमें दिल्ली को हिलाकर रख देने वाले इस मामले के सभी आरोपी एक साथ दिख रहे हैं, और वो भी इस घटना को अंजाम देने के बाद। कंझावला का ये नया सीसीटीवी फुटेज रोहिणी सेक्टर 1 इलाके का है, जिसमें आरोपी अंजलि के एक्सीडेंट के बाद गाड़ी उसके मालिक आशुतोष को देने के लिए पहुंचते हैं। सीसीटीवी से पहले आपको एक ऑटो खड़ा नजर आता है, साथ ही उस ऑटो के बाहर 4 लोग खड़े दिखते हैं जो कि आरोपियों के साथी हैं। अंदेशा यही है कि इनको पहले से ही घटना की जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद ये सभी साथी बलेनो गाड़ी का इंतजार करते हैं। करीब 1 मिनट बाद वीडियो में वही बलेनो गाड़ी आती दिखती है, जिसके नीचे अंजलि 12 किलोमीटर तक खिसकती रही। साथियों के पास ही आकर बलेनो गाड़ी रुकती है, और उसमें से पीछे की सीट पर बैठे 2 आरोपी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। देखिए कैसे गाड़ी रुकी, और फिर गाड़ी की फ्रंट सीट और पीछे के दरवाजे खुलते हैं और 2 आरोपी बाहर आते हैं। अब जरा दाहिने हाथ से उतरने वाले इस आरोपी को देखिए। आरोपी गाड़ी के पीछे जाता है, और गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वो उसके नीचे झुक कर देखता है। फिर से देखिए कैसे आरोपी गाड़ी से उतरते हैं, और उनके जहन में सबसे पहले गाड़ी के नीचे देखना आता है, यानी आरोपियों को अच्छे से इस बात की जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि थी। आरोपी गाड़ी को नीचे से झुक कर देखते हैं, तभी फ्रंट सीट से मनोज मित्तल भी उतरता है, और बाहर खड़ा एक साथी गाड़ी की आगे की सीट पर जाकर बैठता है। वीडियो में गाड़ी चलाने वाला आरोपी गाड़ी से नहीं उतरता, और फिर गाड़ी वहां से पार्किंग में लेकर चला जाता है। इसके अलावा कार से उतरे 3 आरोपी पहले वहां खड़े लोगों से बात करते हैं, और फिर ऑटो में बैठकर फरार हो जाते हैं। वो 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे के आसपास इसी डी ब्लॉक के 524 नंबर 1 जो
घर है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो दीपक है उसका दोस्त है आशुतोष, जिसकी वो बलिनो कार थी, और ये जो कर्टन जहाँ लगे हैं इसी फ्लोर पर आशुतोष रहता है, और वो जो हैं आरोपी 31 दिसंबर को यहाँ पहुँचते हैं और फिर आशुतोष से उसकी कार मांगते हैं कि उनको घूमने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद आशुतोष उनको अपनी कार दे देता है। कंझावला केस में ये अब तक का पहला ऐसा सीसीटीवी है जिसमें सभी आरोपी एक साथ नजर आ रहे हैं। पहली बार आरोपी जी न्यूज पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर के 1 में और डी ब्लॉक में। यही वो इलाका है जहां पर जो कार सवार है, जो दीपक था, जो उस कार को चला रहा था, वो 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे यहां रहने वाले आशुतोष से वो कार लेकर के जाता है, और फिर उसके साथ उसके दो चार और अन्य दोस्त हैं वो उस कार में सवार होते हैं, और फिर जब एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद में वो लोग जो हैं सुबह करीब 4:33 के आसपास यहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने से पहले ये लोग जो हैं दीपक आशुतोष को फ़ोन करता है कि बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि जो इस इलाके में तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिले हैं उसमें एक सीसीटीवी सबसे अहम है, जिसमें पांचों आरोपी साफ तौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह करीब 4:33 के आसपास एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद आरोपी इसी रोड पर कार लेकर के पहुंचते हैं, और फिर उस कार से एक एक करके आरोपी बाहर निकलते हैं। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स है उसका नाम दीपक है, और जो साथ वाली सीट से उतर रहा है वो मनोज मित्तल है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है।